हाय एवरीवन, मेरे पास एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि हमें कितना पानी का इंटेक करना चाहिए। तो जब हम पानी की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज, तो ये बहुत ही इंडिविजुअलाइज चीज है, आपकी बॉडी के हिसाब से, आपकी लाइफस्टाइल के हिसाब से, प्रोफेशन, आप क्या काम करते हो, क्या एनवायरमेंटल कंडीशन है, उसके हिसाब से पानी का इंटेक यहाँ पे डिसाइड होता है। पर जो हमारे पास जनरल रिकमेंडेशन रहते हैं वो ये रहते हैं कि फीमेल के केस में 2.7 लीटर एंड मेल के केस में एटलीस्ट 3.7 लीटर आपको पानी पीना चाहिए। उसका रीजन ये है कि अगर आप अपने डाइजेशन को प्रॉपर रखना चाहते हो तो बॉडी को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन हो, इम्यूनिटी हो, इन सब चीजों के लिए पानी का ऑप्टिमम इंटेक होना चाहिए। अपनी लाइफस्टाइल को कंसिडर करते हुए अगर आप बहुत ज्यादा बाहर जाते हैं तो बट नेचुरल सी बात है आपको पानी का इंटेक यहाँ पे ज्यादा करना पड़ेगा। तो ये तो पहला पॉइंट है कि पानी का इंटेक कितना करना चाहिए एज पर योर थर्स्ट। बट कई बार लोग कंप्लेन करते हैं कि मैम प्यास ही नहीं लगती है। तो जब आपको प्यास नहीं लगती है तब आप मेक श्योर करें कि एटलीस्ट 3 बॉटल्स 1 लीटर की मोर और लेस सुबह से लेकर शाम तक आप उसको पीजिए। अब दूसरा पॉइंट आता है कि मैम पिए कैसे खाली पानी। कई बार ऐसा होता है कि हमें नहीं अच्छा लगता है, तो इस केस में फ्लेवर्ड वाटर, आप पानी के अंदर कुछ फ्रूट की स्लाइसेस डाल सकते हैं, फ्लावर्स डाल सकते हैं, कुछ हर्ब्स डाल सकते हैं, जैसे कैमोमाइल फ्लावर आपने पानी के अंदर डाल दिया, आप चाहें तो यहाँ धनिया डाल सकते हैं, मिंट डाल सकते हैं, तो इसमें फ्लेवर्ड वाटर बनेगा, एल्कलाइन वाटर बनेगा, आपके पानी के इंटेक को प्लस आपके साथ न्यूट्रिएंट अपटेक को भी ये बढ़ा देगा, इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस भी आपकी बॉडी में क्रिएट करेगा। साथ में हम स्मूदीज का इंटेक कर सकते हैं, जैसे वेजिटेबल स्मूदी बना ली तो वो भी एक तरीके से वाटर कंटेनिंग फूड है, या फिर कोकोनट वाटर का इंटेक कर लिया। तो इन स्ट्रेटजीज के साथ आप बहुत आराम से पानी का इंटेक कर सकते हैं।